साइलेंसर मॉडिफिकेशन कर है ना? आराम से आराम से आराम से। ये साइलेंसर कंपनी कहाँ है? जांच करवाएंगे, थाना जाएगा गाड़ी। सर अलग से है, गाड़ी थाना पर जाएगा, तुमको जहाँ जाना सर जहाँ से आना है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी पूरा गेयरअप हो चुके अपन, बट अपने साथ भाई आज एक और बाइक जा रही है, मतलब हमारी दो बाइक आज निकलने वाली है यहाँ से, अपनी जो Z900 मतलब अपनी गॉडज़िला, और साथ में निकलने वाली है कावासाकी 1000SX जो कि भाई अभी अजम आ रहा है वो भी रहेगा साथ में हमारे, तो भाई दोनों मिलकर चलाएंगे। एंड दोनों का आज आपको प्रॉपर एक रिव्यू और प्रॉपर एक बाइकल चेकआउट कराएंगे कि भाई दोनों बाइक में क्या क्या चेंजेस है, एंड दोनों में आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए अगर आप लोग एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हो तो। वैसे अभी अपने साथ ये देखो भाई अभिषेक भाई आया, आज हम लोग करने वाले हैं क्या शूट, रील्स। मतलब देखो यार, रील्स के लिए भाई हमने अलग से भाई को बुला रखा है। भाई को पहले तो कांग्रेचुलेशन, भाई ने कैमरा लिया है, कैमरा भाई ने एक्चुअली बैग में रख लिया है, बाद में आगे दिखा देंगे वीडियो में। एक्चुअली दैट इज द सोनी अल्फा 7 III। तो अभी हम लोग चलेंगे शूट करने, बट हम लोग शूट कर रहे हैं अल्फा 7 IV से तो थोड़ा चेंजेस है, बट अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सीधा बाइक पे, तो बाकी की बातें करते हैं ऑन बाइक। तो अभी अपन आ चुके हैं गॉडज़िला और इधर निंजा 1000 दोनों को लेकर, एंड इधर मार्केट की तरफ अभी चलेंगे हम लोग और भी मार्केट वाले एरिया में, सो दैट प्रॉपर रिएक्शन वगैरह चेकआउट करवा पाए। एंड अजम को भी मैंने पीछे बोला कि भाई GoPro में रिकॉर्डिंग ऑन रखना, सो दैट पीछे से भी रिएक्शन आप लोग को दिख पाए कि कैसी रिएक्शन आ रही है। यहाँ भाई फुल ऑन चेकिंग हो रही है, बोलिए घर से आ रहे हैं क्या जी? करना क्या है? प्रोटेक्शन वाला है ये, सेफ्टी के लिए सर। नहीं आपको नहीं रोक रहा पूरा साहब, आगे कर क्या सर? क्या करते हो सर? कुछ नहीं हम लोग सर, आओ ना क्या है? अरे चेक करा रहे सर, एक मिनट रुक जाइए, ग्लव्स खोल लेते हैं। क्या कर रहे थे? कैमरा ऑन है इसका। हम लोग घूमते सर, रिकॉर्ड में रखते हैं, हम लोग घूमते ट्रैवल करते हैं, नहीं स्पीड नहीं चलाते सर, बाजार से गुजर रहे हैं। नहीं सर हम बहुत धीरे, साइलेंसर सुपर बाइक है सर ना, साइलेंसर मॉडिफिकेशन नहीं, ये इसी में आता है, सुपर बाइक है, इसमें 4 सिलेंडर है, 1000cc का बाइक है। ये पॉकेट में चेक करिए, साइलेंसर तो हमको लग रहा है अलग से लगा सर, कंपनी में आता है, अलग से कुछ नहीं लगाया। क्या चीज का शूटिंग करते हैं? हम लोग घूमते सर, मतलब पटना के बाहर जाते हैं, हम लोग अभी नेपाल घूम कर आए, सारा कुछ सारा आ जाता है, आपका भी आवाज आएगा, सब कुछ आएगा, आवाज भी, हाँ सब कुछ आ जाएगा सर, सब इसी में सेट है, हाँ सब कुछ, माइक वाइक सब कुछ है सर। रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, न्यूट्रल कर देते हैं। हाँ न्यूट्रल है क्या सर? हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, आराम से आराम से आराम से। साइलेंसर कंपनी का है? हाँ तो हो नहीं सकता सर, कंपनी का साइलेंसर है, अब आप ऐठिएगा तो आवाज़ तो आएगा ही, कंपनी का हम रुके हुए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर फुल सिस्टम क्या करवा लीजिएगा, जांच करवाएंगे, थाना जाएगा गाड़ी। सर आप पेपर चेक कर लीजिए सर, सारा डॉक्यूमेंट है, चेकिंग होगा, हम लोग भी जांच कर लेते हैं, कर लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है, फाइल होगा तो उसका चेक कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी पर से पहले उतरो तो उतर उतर सर, हम लोग तो खुद सर सेफ्टी वेयर पहन के चलाते सर, वो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा साइलेंसर जो है सर हटा देंगे सर, अगर ऐसा आपको लग रहा तो सर हटा देंगे, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो। सर अलग से है, गाड़ी थाना पर जाएगा, तुमको जहाँ जाना सर, जहाँ से आना है सर, सुनिए ना सर, सर एक मिनट सुनिए तो पहले, 5000 रुपया है समझ जाओ सर, हटा देंगे सर, आपको ऐसा लग रहा है सर, हम बुर्बक सर, हम बुर्बक क्यों बनाएंगे सर, बुला देंगे ना सर, हम साइलेंसर आ गया है सर, हमको बुर्बक क्यों बनाएंगे सर, हम हटा देंगे सर, आज ही हटा देंगे सर, सॉरी सर गलती हो गया, वो करके हटेगा उसका सर, हटा देंगे आज ही हटा देंगे सर, चलो हटो ना, हटो अपना काम करो, गाड़ी जाएगा थाना पर जाएगा। तो सर चलिए आपको हम जो भी होगा करवा लेते हैं, फाइन कटेगा, करवाना नहीं है, फाइन कटेगा इसका, वही काम है, एंटी रस में हमरा तुम बता, हम लोग रेसिंग थोड़ी करते सर, सर हम लोग रेसिंग थोड़ी करते सर, सर आप बोलिए सर, हम लोग भागे बताए, आप रोके तुरंत हमें रुक गए सर, बताइए कहाँ यार भागेगा कहाँ, जब आज यहाँ परन हुआ है तो सब जगह फोर्स लगा दो, नहीं सर हम लोग गलत थोड़ी करते सर, बताइए घर से अभी जस्ट निकले ही थे सर, तो भाई सीन हो गया, पकड़ लिया इन्होंने, सर ये 4 सिलेंडर का बाइक है सर, नहीं सर का है, हम कहां नहीं सर, लेकिन हम साइलेंसर जो वो भी कंपनी से ही लगवाए सर, हम ये कह रहे हैं
सिलेंडर दूसरा लगा हुआ सलीम कंपनी से ही लगवाए है। अरे बोलो ना क्या मोडिफिकेशन हुआ है, कंपनी लगा करके नहीं देता। नहीं लगा के नहीं देता सर, हम लगवाए कंपनी से ही लगवाए सर, ये कह रहे हैं। आदमी को दर्शक फैलाना होगा। नहीं सर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, हट जाओ। नहीं सर ऐसा हम लोग नहीं करते। क्या नहीं सब गाड़ी में लगाता है सर, सब लोग लगा सकता है सर? सब में नहीं लग सकता इसीलिए सर। ठीक है आप जाए जो ये तो हम लोग कहाँ करने जाएगा, आपको फांसी तो नहीं दे? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ओके थैंक यू सर, सॉरी सर। क्या भाई आपका? क्या भाई? चैनल क्या आपका? स्ट्रीट बर्नर। बता दो बस ये चलो बताओ कर ले वो लगा ले चलो साथ ही है काऊ हो क्या सर? कौन? नहीं 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 अकेले हूं मैं। क्या बुलवा दे हिम्मत? नहीं सर हटा लेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है सर पक्का पक्का। फिर चेकिंग चल रहा है? नहीं सर हटा लेंगे। हमारे लिए बोल रहे हैं। ठीक है सर बुलवा लेना और उसके बाद चलाओ उस सबको कोई मतलब। ठीक है सर थैंक यू। भाई देखो आराम से अगर आप बात करोगे ना पुलिस वालों से भी, देखो अभी उन्होंने एग्जॉस्ट के लिए रोका, बट अगर आराम से बात करोगे, एक बार मैंने भाई पहले बोला कि ये कंपनी की एग्जॉस्ट लगी पड़ी है, बट फिर बाद में मैंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है, तो वो मान गए यार। देखो वो लोग भी भाई बहुत अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते कोई भी पुलिस वाले। ऑल्दो आप सबको पता है यार ये एग्जॉस्ट लगा पड़ा है जिसकी वजह से फ़ाइन तो हमारी हो ही सकती है अगर पकड़े जाएंगे तो बस किस्मत कभी ख़राब रहा तो पकड़े गए, किस्मत कभी अच्छा रहा तो नहीं पकड़े गए, तो बस यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। आज अपन पकड़े गए बट अपन फिर भी छूट गए, ऑल थैंक्स टू द पुलिस मैन यार, बहुत अच्छे थे वो लोग। मतलब छोड़ दिए तो अच्छे नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच में अच्छे थे क्योंकि उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से बताया, दैट्स द रीज़न। अजम लोग आगे कहीं वेट कर रहा होगा, चलो आगे तरफ। वो पहले बोले कि उस बाइक को भी बुलाओ, मैंने बोला उसमें तो भाई एग्जॉस्ट लगी पड़ी नहीं, वो तो पूरी स्टॉक है, तो सर ने बोला चलो ठीक है उसकी है तो भाई तुम भी ले जाओ, इसको छोड़ दो, इसको हटवा दो, मतलब ये जो एग्जॉस्ट लगी पड़ी ना इसको हटाकर इसमें नॉर्मल लगा दो। मैंने बोला चलो ठीक है सर आप जो बोलोगे वही हो जाएगा, शायद अजम इधर नहीं है उस तरफ होगा। तो भाई ये रहा अजम एंड ये अभी अपन आ गए दिग्गा के साइड एंड काफ़ी भाई हैवी सीन हो रखा था, अभी हम लोग रुके थोड़ा रील वगैरह भी शूट के, उसके बाद अब अपन जा रहे हैं एक ड्रैग शूट करने के लिए, मतलब Z900 वर्सेस निंजा 1000 SX, तो कुछ ऐसा सीन होने वाला अभी, बट ना काफ़ी मज़ा आया एंड क्या भाई रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई नेक्स्ट लेवल। बहुत जगह तो भाई मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया मैंने थोड़ा ज़्यादा अभी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिएक्शन मिल रहे थे, तो अभी आगे की तरफ चलेंगे एंड वहाँ पे थोड़ा ड्रैग वगैरह शूट कर लेंगे क्योंकि ड्रैग का ना एक अलग से वीडियो आएगा प्रॉपर, बट ये वाला एक व्लॉग का पार्ट है, ड्रैग का जो पार्ट आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। तो चलो पहले शूट करते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे वीडियो में। Few moments later. तो भाई लोग अभी हमने ड्रैग वगैरह शूट कर लिया फुल, तो भाई मज़ा आ गया बिल्कुल शूट करके एंड आज तो भाई हमने जो क्लॉक किया वो आपको ड्रैग के वीडियो में देखने को मिलेगा, जल्दी ड्रैग की वीडियो भी आएगी, तो बस वेट करना उसका यार, बहुत ही तगड़ी ड्रैग रेस हुई है मतलब नेक्स्ट लेवल। और अभी तक ना मतलब जितना मैंने क्लॉक किया ना आज निंजा 1000 SX को, इतना तो अपने हमने गॉडज़िला को भी कभी क्लॉक नहीं किया। ये सारे कॉर्नर्स ना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़ा आता लीन करने पे। और मोस्ट प्रोबेबली अब 2-3 दिन में मैं जाऊंगा भाई दिल्ली, जैसा कि आप सबको मैंने बता रखा था, तो अपकमिंग 2-3 डेज में भाई क्रिसमस के बाद ही जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर से आ चुके हम लोग मरीन ड्राइव पे एंड ये एक बार चेकआउट करो भाई क्या प्यारा प्यारा लीन है इधर, कुछ कर्व्स बहुत ही बेहतरीन है जहाँ पर अपन कॉर्नरिंग कर सकते हैं एंड ड्रैग वगैरह शूट तो हमने कर लिया, अब जाएंगे वापस घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखा है एंड हमने जैकेट जो पहन रखा है इसमें बहुत ही गर्मी लग रही है। घर जाते के साथ ना सबसे पहले अपन निकालेंगे स्कूटी क्योंकि हमें ना स्कूटी चलाने का मन कर रहा है, बट उसका अभी कोई ब्लॉग नहीं आएगा, तो घर जाके स्कूटी निकालेंगे, स्कूटी राइड करेंगे। इसको भाई राइड करना मुश्किल हो रखा है पटना में, हर तरफ पुलिस भर चुके हैं भाई और एग्जॉस्ट की वजह से खास करके चलान कटने के ज़्यादा चांसेस है, बाकी भाई पेपर सारा कुछ ओके रिपोर्ट है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने बाइक में, बट द थिंग इसकी एग्जॉस्ट जो है वो भाई ऐसी चीज़ है ना
अगर आप इनलाइन फोर में एग्जॉस्ट नहीं लगाते तो बाइक का मज़ा नहीं आता, बट अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो तो चलान कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो भाई चलान होना ही हो रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भाई यहाँ पे भी चलान कट रहा है, मतलब आपको मैंने दिखाया था इंटरसेप्टर, बहुत लोगों ने पूछा था कि चलान कटा या नहीं कटा निंजा 1000 का, वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर से बताएंगे कि निंजा 1000 के साथ क्या हुआ था, विद प्रूफ दिखाएंगे ना भाई, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। आपको लगता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोल रहा भाई, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं वो चीज़। एंड गाइस इतने जो पुलिस नाके लग पड़े हैं ना भाई, जिसकी वजह से अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बाइक भगाने का, मन करता है यार कोई फ़ायदा नहीं यार, बार बार भाई चलान वगैरह कट जाएगी तो फिर समझ रहे हो ना कितना पंगा हो जाएगा, फालतू का चलान वलान से बच के रहना, पता चला जितना अपन मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपने को चलान ही भरना पड़ जाए तो फिर क्या ही मतलब है वीडियोस का। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी अपन जा रहे हैं भाई दिल्ली, उसके बाद आगे का जो सीन होगा ना वो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग जहाँ जाने वाले वो मैं अभी तक आप लोग के लिए सस्पेंस रखूँगा, अगर वो मैंने बता दिया भाई तो फिर आप लोग के लिए भाई कुछ भी सरप्राइज़ नहीं रहेगा। मैंने सोचा न्यू ईयर में ना कुछ ऐसा लोकेशन आप लोग को ले चलेंगे, कुछ ऐसा लोकेशन पर घुमाएंगे अपने साथ साथ कि आप लोगों को भी ना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ऑल द एज यू गाइस नो दैट पटना से भाई हर लोकेशन बहुत ही ज़्यादा दूर है, पटना के आसपास कुछ भी नहीं है, अगर एक हिल स्टेशन की बात की जाए तो पटना के आसपास कुछ भी नहीं है, अगर सबसे नियरेस्ट जाऊँ तो भाई वो है सिलीगुड़ी एंड वहाँ से फिर ऊपर दार्जिलिंग जा सकते हैं, वो भी लगभग 600-700 किलोमीटर है, या फिर अपन नेपाल जाएंगे तो नेपाल इज़ 400-500 किलोमीटर, तो मतलब मान के चलो पटना के आसपास मतलब 200-400 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है रेंज में, तो आइधर हमें नेपाल जाना पड़ता है या फिर हमें वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह जाना पड़ता है, या फिर उसके आगे अगर चले गए तो सिक्किम वगैरह जा सकते हैं, बट अभी रिसेंटली हमने ज़ारा पे वहाँ का राइड किया तो इसलिए अभी उधर जाने का कोई प्लान नहीं है, नेपाल भी हमने गॉडजिला पे किया था तो उधर भी जाने का कोई प्लान नहीं है, तो हम लोग सीधा चलेंगे टुवर्ड्स दिल्ली एंड वहाँ जाके आगे का आपको सरप्राइज देंगे। तो अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पे एंड ये चेकआउट करो भाई, ना ये बाइक ना बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक लगती है क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट नहीं डाला पड़ा, बट मैंने आपको बताया एग्जॉस्ट डालते ही ना इसकी जो साउंड नोट आएगी बहुत नेक्स्ट लेवल आएगी, क्योंकि उसमें ना क्विक शिफ्टर है ना ऑटो प्लेपर है, जब आप उसमें गियर शिफ्ट करोगे ना तो क्या बैकफायर आएगी तबाही, क्योंकि उसमें बिना क्लच का हमें गियर शिफ्ट करना है एंड डाउन शिफ्ट भी विदाउट क्लच करना है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है क्लच दबाकर गियर शिफ्ट करने का एंड गियर डाउन करने का वो जो बचेगा एंड साथ ही साथ उसके वजह से फ्लेम्स भाई बहुत बेहतरीन आएंगे। तो अभी अपन वापस घर की तरफ जा रहे हैं एंड यार इन दोनों बाइक को एक बार लेकर घूमना ना भाई साथ में बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दोनों बाइक की एवरेज इतनी गंदी है, इतनी गंदी मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब एक बार बाइक लेकर निकलो 500-600 का फ्यूल तो कहाँ जाना बाइक में पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग भाई इस चीज़ के लिए ना हमेशा याद रखना, अगर आप लोग सुपर बाइक ओन करना चाहते हो तो बाइक खरीदने से ज़्यादा आपको उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, मतलब वो कहते हैं ना हाथी खरीदना आसान होता है बट उसे पालना नहीं, सेम गोज़ विद सुपर बाइक्स, बाइक खरीद सकते हो आप, बाइक तो भाई ईएमआई पे भी मिल जाती है वो तो कोई बड़ा डील नहीं है, बट जब आप जाओगे बाइक को मेंटेन करने, बाइक में फ्यूल अप कराने, साथ ही साथ तो आप लोग बाइक को जाकर सर्विस वगैरह कराओगे उस टाइम पता चलेगी भाई कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह एंड ऑल में कितने पैसे लगते हैं। बोला तो भाई दिखता जितना आसान है, अगर उतना आसान होता तो भाई फिर बात ही कुछ और होती, लोग कहते हैं भाई यूट्यूबर बहुत पैसे कमाते हैं बट उस कंटेंट को शूट करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें भाई कितने सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह, देखो हमारे लिए टू बी ऑनेस्ट बाइक्स जितनी भी है वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बाइक्स नहीं लेंगे तो भाई हमारा कॉन्टेंट नहीं बनेगा, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा रिटर्न मिलता है हमें वीडियोज़ में, जो आप सब लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतना सपोर्ट करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई मज़ा आता है काफ़ी, तो आप लोग भी ऐसे सपोर्ट दिखाया करो। बस आज की वीडियो को इतना रखेंगे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में गाइस, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ, राइड हार्ड।